आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आरोग्य भारती के कैंप कार्यालय सिंघई मतगांव देवरिया में डेंगू से बचाव विशेषज्ञ गोष्ठी का आयोजन किया गया और लोगों को बताया गया कि डेंगू मच्छर जनित रोग है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इस मच्छर का नाम एडीज है, वह लोगों को दिन में काटता है। इस मच्छर से बचने के लिए फूल औस्तीन के कपड़े पहने और कूलर आदि में पानी एकत्रित ना होने दें, गड्ढों को पाट दें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी को एकत्रित ना होने दें। आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्र ने कहा कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष डेंगू के कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है और कभी कभी यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए सावधानी पूर्वक इससे बचने के लिए डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक और नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तरल पदार्थ का सेवन करें, बुखार होने पर पैरासीटामोल का ही प्रयोग करें और कोई भी ऐसी दवा न लें जिससे प्लेटलेट की कमी हो सके और किसी भी अंग से रक्त का स्राव ना हो सके। रक्त का जांच करवाएं और डेंगू के लक्षण मिलने पर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञ चिकित्सक से दिखाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास के गड्ढों को पाट दें, जल जमाव ना होने दें और मच्छरों को मारने वाली दवा का छिड़काव करें। आयुर्वेदिक उपचार में डेंगू से बचाव के लिए नींबू, संतरा, मौसमी जूस का सेवन, प्लेटलेट बढ़ाने वाली औषधि जैसे गिलोय, घनवटी, प्लेंटेजा, प्लाटिमाक्स, फल में कीवी फल का सेवन करें और यदि संभव हो सके तो बकरी के दूध का सेवन करें और पपीते के पत्ते का स्वरस पिलाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगावा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन रंजन ने कहा कि आज भारत में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू से बचाव के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां पर केस पाए जा रहे हैं वहां पर छिड़काव और फागिंग की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी को तेज बुखार के साथ साथ शरीर में कमर तोड़ दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते या तेज बुखार के साथ उल्टी होने की शिकायत होने पर तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। सावधानी पूर्वक रहने पर आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर कार्तिकेय कुमार, डॉक्टर जनार्दन तिवारी, मंडल महामंत्री रत्नेश्वर गर्ग, अरविंद चौहान, स्टाफ नर्स पन्ना देवी, विकास कुमार, वार्ड बॉय लव कुमार यादव, अंजलि कुमारी, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, स्टाफ नर्स अंजलि मिश्र, सनी कुमार मिश्रा, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर श्वेता आदि उपस्थित रहे। संचालन पंकज कुमार चतुर्वेदी ने किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगावा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार रंजन पर ने कहा कि ये मच्छर जनित रोग है। सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बीमारी से भारत को मुक्त किया जाए। इस दिशा में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला चिकित्सालय के स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज 9 भारत से सत्येंद्र कुमार राव की खास रिपोर्ट। विश्व डेंगू दिवस पे जो डेंगू बीमारी है वो सबको पता है कि वो मच्छर जनित रोग होता है। क्योंकि मच्छर जनित होता है तो सबसे पहले हमें मच्छरों से बचाव, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं इस डेंगू की बीमारी से। अभी दस्तक अभियान चल रहा था, पूरे प्रदेश में चल रहा था, उसमें हर घर जाके आशा आंगनवाड़ी द्वारा टीम बनी हुई थी जो जाके इन मच्छर जनित रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन उसमें बहुत सारी साफ सफाइयां भी हुई, झाड़ियों का कटाव हुआ, गंदी नालियां साफ हुई, नालियों के ऊपर वो लगाया गया, कवर कर दिया गया। लेकिन जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो साफ जल में पैदा होते हैं। अब साफ जल जैसे कि आपके घर के अंदर कूलर, गमला, कहीं टायर पड़ा हुआ है, कोई और बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो इस पानी में वो मच्छर पैदा होते हैं डेंगू के। तो हमें सबसे पहले अपने घर में साफ सफाई करना है, सबसे पहला बचाव। दूसरा बचाव कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना है और मच्छरदानी के प्रयोग के साथ शाम में फुल बांह के कपड़े पहने, बाहर कम बैठें, इससे मच्छर ना काटें। वैसे जनरली जलजेहू में मच्छर जो होते हैं वो दिन में काटते हैं, तो इस तरह से बचाव हो जाता है। हमारे ब्लॉक में कहीं भी यदि फील्ड में कोई भी केस डिटेक्ट होता है, फिलहाल तो अभी नहीं है, तो हम वहां पे अपने तरफ से छिड़काव कराते हैं, फॉगिंग होता है, उनकी सैम्पलिंग होती है, जो भी फीवर के पेशेंट आते हैं उनका पूरा फीवर प्रोफाइल कराते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगावां पे, और उसमें जैसा उनका रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है।
और इसमें यदि किसी को डेंगू पॉजिटिव हो जाए और उसके रिपोर्ट में प्लेटलेट काउंट उनका अबव है, अबव 20,000 30,000 40,000 अबव है, तो नीड नॉट टू वरी। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें, पपीता का सेवन करें, गिलोय का सेवन करें, ठीक है। और अपने डॉक्टर, यदि प्राकृतिक द्वार से ब्लड आने लगता है या शरीर में रैशेज पड़ जाते हैं तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे कंडीशन में हो सकता है एडमिशन की जरूरत पड़े, और यदि आप समय से एडमिट हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट मिलने की वजह से आप डेंगू से बच सकते हैं। थैंक यू। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।